देखिए ये ही दिखाना मैं आपको चाह रहा था। ये देखिए बादल हट रहे हैं और कैसा व्यू आ रहा है, चेक करिए गाइस। हेलो गाइस, चेक करिए जी बाइक के साथ। गाइस सिलेक्ट कर रहे हैं हम सर कर भाई सिलेक्ट कर लिए ऐसे एक ये सिलेक्ट कर ली दूसरी ये जल्दी करो सिलेक्ट करो जल्दी सारी है संतोष भाई जल्दी लो करो सिलेक्ट सब अभी तो मुक्तेश्वर पहुँचेंगे जल्दी 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 करो भाई एक दो तो हो गई बाकी करो जल्दी तो दो हो गए एक इसको करने देना सिलेक्ट जल्दी कर भाई चल रहे हैं फिर मीठा करिए। तो आज हम घर में तो रेडी हो रहे हैं मुक्तेश्वर के लिए ट्रिप बनना है। बाकी हमारे कपड़े देखिए यहाँ पूरे टंगे पड़े हैं तो हम सिलेक्ट करेंगे कौन से हम पहन के चलें कपड़ों की कोई कमी नहीं है तो चलते हैं गाइस और फाड़ते हैं इसको क्या है इसमें चेक करिए कुछ एक पेन होल्डर है क्या है पेन होल्डर है वो मोबाइल होल्डर हट ना तू ही खोल ले मैं खोल लूं सो फाइनली गाइस हो चुके हैं हम रेडी। तो कैसा लग रहा है हमारा लुक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलते हैं आज हम घर से व्लॉगिंग कर रहे हैं क्योंकि आज कुछ ज़्यादा स्पेशल व्लॉग होने वाला है। हम ऐसी लोकेशन में आने वाले हैं और आज नाइट आउट भी होने वाला है तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो बने रहिए व्लॉग में सिस्टम फाड़ देंगे दोस्तों। तो आज मैं अपनी बाइक और स्कूटी दोनों लेके चलने वाले हैं तीन जने हम। तो आज रौला काटने वाले हैं रौला मुक्तेश्वर में। तो नाइट आउट कैसा होता है दिखाते हैं आपको। काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं आज क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं नाइट आउट करने जा रहा हूँ। काफ़ी 3-4 मंथ हो गए हैं क्योंकि कैफ़े और शॉप के चक्कर से टाइम नहीं मिल पा रहा था तो थोड़ा काफ़ी स्ट्रेस भी था। स्ट्रेस फ्री थोड़ा पहाड़ों की वादी की ओर चलते हैं। बाकी यहाँ भी मौसम काफ़ी सेक्सी हो रहा है आप देख सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं गाइस मिलते हैं ओके। तो गाइस चल रहे हैं बस रेडी हो चुके हैं हम मुक्तेश्वर की ओर। तो व्यू चेक करें यहाँ का फिर हम आपको चेक कराएंगे मुक्तेश्वर का व्यू। ओके गाइस चल रहे हैं चलते हैं अब चले आ जाए चलो कैसा लग रहा हूँ बताओ यार गर्ल्स। तो चलते हैं अब मिलते हैं सीधे निकालो रुपये भाई निकाल भाई सब पेट्रोल भरा लिया फिर चलते हैं अब अपनी डेस्टिनेशन की ओर। बाकी पीछे भाई है रेडी टू रेस। फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं एक प्यारी सी लोकेशन में। ये हमारी दोनों गाड़ियाँ और ये आ चुकी मैगी। तो चलते हैं अब मुक्तेश्वर की ओर। काफ़ी टाइम हो चुका है 5-6 बज चुके हैं तो चलते हैं फिर आपको नाइट व्यू दिखाते हैं मुक्तेश्वर का। ओके गाइस तो गाइस हम हो चुके हैं रेडी चलने के लिए क्योंकि ठंडा और था तो हमने ही पहन लिया ना तो चलते हैं गाइस। तो गाइस पहुंच चुके हैं मुक्तेश्वर मतलब 15 किलोमीटर बाद बचा है पहुंच गए अभी तक कदम पहुंचा देता हूं मुक्तेश्वर। तो गाइस फिर दिखाते हैं आपको मुक्तेश्वर में कैसा व्यू रहता है नाइट का। बाकी चेक करिए मुक्तेश्वर में कितने प्यारे प्यारे रिसोर्ट है। रात के बज रहे हैं 10 और हम पहुंच चुके हैं ये हम आ गए बाग के इलाके में। तो अब यहाँ से 10 किलोमीटर हमें वापस जाना है। बड़ी समस्या है बड़ी दिक्कत है। चलो चलते हैं यार अब क्या करें हम क्या हो सकता।
तो फाइनली गाइस रूम हमें मिल चुका है, तो हमने रूम ले लिया है। तो काफी थक चुके हैं। यहाँ का फेमस कैफे स्काई डेक, तो गाइस चेक करिए कैफे। फाइनली गाइस राइस और चाय आ चुकी है, और कैफे चेक करिए कितना प्यारा है। तो गाइस कल दिखाएंगे आप, हम आपको मजे। तो गाइस काफ़ी मज़ा आया, तो अब चलते हैं अपने रूम की ओर, और कल सुबह दिखाएंगे आपको एक से एक प्यारे व्यू। चलो चलते हैं, पहले कॉल आ जाएगी भाई जल्दी चल उनका बंद कर। तो इस चक्कर में पार कर दी स्कूटी, नाइट व्यू चेक करिए यहाँ से होटल रूम से। चलो चलते हैं। हेलो गाइस, तो तैयारी हो रही सोने की, काफ़ी थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। तो गाइस हो चुकी है रात काफ़ी, तो रात में हम पीते हैं चाय जो हमने रखी थी। देखते हैं चाय गर्म है नहीं है। गाइस चाय तो एकदम गर्म है, धुआं निकल रहा है, ये चेक करिए। चाय जो है एकदम फीकी है। ओ फाइनली गाइस नागे हो चुके हैं रेडी, अब पीते हैं चाय पे चलते मुक्तेश्वर लोकेशन की ओर। रेडी होते हैं बाहर, काफ़ी तेज बारिश हो रही है। हेलो गाइस, तो हो चुके हैं हम रेडी, तो अब चलते हैं मुक्तेश्वर की ओर, काफ़ी ठंडा हो रहा है। हाँ तो चलते हैं, बारिश भी हो रही है, देखो आगे क्या होता है, कहाँ जाते हैं हम, तो आपको दिखाते हैं लोकेशन। तो चलते हैं गाइस, ओके बाय बाय। गाइस मौसम चेक करिए बाहर का, ओ भाई बड़ा डेंजर मौसम है, हल्की हल्की बारिश, कितना सेक्सी व्यू आ रहा है। तो गाइस चेक करिए व्यू, बारिश हो रही है भयंकर तगड़ी। तो फाइनली गाइस इतने प्यारे से व्यू में हमारे आलू के परोठे और चाय भी आ चुकी है, चेक करिए। तो उसको खाते हैं फिर चलते हैं अपनी आगे की ट्रिप की ओर। गाइस चलते हैं आप आगे की ओर, देखते हैं मुक्तेश्वर टेंपल जाते हैं कहाँ जाते हैं। वैसे गाइस हालत तो कहीं जाने की हो नहीं रही है, एकदम से बुखार आ गया है, मगर फिर भी जाना तो पड़ेगा ही। जब भैया आए हैं तो घूम के जाएंगे ही, लाने की तो मेरी हालत है नहीं, तो स्कूटी में ही चलते हैं। फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं मुक्तेश्वर टेंपल, तो अभी चलते हैं अंदर की ओर। गाइस प्रसाद लेके मंदिर की ओर, बारिश का मौसम भी हो रहा है। गाइस टेंपल की ओर, मुक्तेश्वर टेंपल पहली बार विजिट कर रहा हूँ मैं भी आज, देखते हैं कितना पैदल चलना पड़ता है, कितनी दूर है। सुना तो बहुत था मुक्तेश्वर टेंपल की आ रहे हैं, हमने कहा आज वो आते हैं। गाइस बुखार से हालत पूरी ख़राब है, फिर भी बारिश में चल रहे। तो गाइस ऐसे तो और ठंडा हो रहा है, मेरे पाँव तो और ठंडा हो रहा है भाई साहब, जय हो हनुमान जी। गाइस चढ़ा दिया प्रसाद,
ये मुकेश फिर पूरे अंदर देख रिश्वेंगे फोन सुनने को तैयार। चलते हैं मुक्तेश्वर टेंपल से अब न्यू लोकेशन की ओर। चलते हैं मुक्तेश्वर टेंपल से। सर आओ और इस लोकेशन पे ना जाओ, मन ही नहीं मानता। ये लोकेशन मुझे बड़ी प्यारी लगती है और कुछ नहीं कसम से। चार पांच बार मुक्तेश्वर आ गए लोकेशन में, हर बार आया हूँ मन ही नहीं भरता मेरा इस लोकेशन से। यहाँ पे जो धूप वाला सीन था ना, वो उस चीज का मैं कब से वेट कर रहा हूँ, मगर यहाँ धूप आने को तैयारी नहीं है। आज जैसा कि आप देख सकते हैं मौसम धीरे धीरे खुल रहा है, धूप आने की संभावना पूरी है। फिर आपको दिखाएंगे एक से एक चीज़ें यहाँ, एक से एक व्यू, एक से प्यारे व्यू और रील्स बनेगी दबा दब। तो बस धूप हटने का इंतजार, धूप आने का इंतजार। देखिए ये ही दिखाना मैं आपको चाह रहा था। ये देखिए बादल हट रहे हैं और कैसा व्यू आ रहा है, चेक करिए गाइस। तो गाइस चलते हैं अब घर की और ये लोकेशन से। ओके गाइस चलते हैं इस लोकेशन को छोड़ के घर की और। ये लोकेशन मैंने आपको पहले भी दिखाई होगी। फाइनली गाइस एक घंटे में पहुंचा दी मैंने भीमताल मुक्तेश्वर से 40 किलोमीटर से, क्योंकि वहाँ बहुत बुरी हालत ख़राब थी और काफ़ी ठंडा था। यहाँ तो फिर भी ठीक है मौसम। चलो अब चलते हैं घर की ओर। पहुंच चुके भीमताल और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। फोन भी डाउन हो चुका है, पावर बंद करने जा रहे और मैग भी आ चुकी है साथ साथ। इस व्लॉगिंग करते हैं यहीं भीमताल में एंड, क्योंकि अब हालत बहुत ज़्यादा बता नहीं सकता। चलना है अब। और बाकी जो भी लड़की थी साथ में उसने मना कर रखा दिखाने के लिए, तो नहीं दिखाया। इसका